Hello students, in the last video, we have completed the energy and power signals. Now, in this video, we will start with the last classification of signals, that is periodic and non-periodic signals. Okay, so what is periodic signal and what is non-periodic signal in case of continuous time and discrete time? This all things we will study in this video. Okay. So, first of all, we will understand what is periodic signal. Okay, periodic signal aapka kya hota hai? But in case of continuous time signal. Okay, so first hum yaha analysis karenge continuous time periodic and non-periodic signals ka. To continuous time mein periodic kya hota hai aapka? Agar simple language mein bolu, to periodic signal repeat itself after a specific time interval. Okay. जो सिग्नल अपने आप को स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं वो आपके होते हैं पीरियोडिक सिग्नल्स जैसे अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिखूं तो xt इज इक्वल टू xt प्लस माइनस kt ओके तो यहां पर आप देखिए जो आपका k है इट इज एनी इंटीजर ओके तो सपोज करिए k अगर 1 है तो xt प्लस माइनस t k 2 है तो xt प्लस माइनस 2t मतलब हर एक t के बाद हर एक टाइम इंटरवल के बाद सिग्नल अपने आप को रिपीट करेगा मतलब सिग्नल xt के इक्वल ही होगा आपका xt विल बी इक्वल टू xt प्लस t xt विल बी इक्वल टू xt माइनस t एंड सो ऑन तो यहां पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल का तो आप देखिए यहां पर ये आपका कोई सिग्नल है ठीक है xt जो कि पीरियोडिक है ठीक है तो पीरियोडिक सिग्नल को आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं देखिए ये सिग्नल आपका इस तरीके से बना हुआ है ठीक है तो आप देखिए यहां पर ये सिग्नल रिपीट हो रहा है बार-बार ठीक है ना और अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में और अच्छे से देखना है तो मैं यहां पर टाइम शो कर देता हूं 0 2 4 ओके -2 -4 तो आप देख सकते हैं जो काम आपका 0 पर हो रहा है सेम काम आपका 4 पर हो रहा है ठीक है ना 0 से 4 के बीच आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई फिर 4 से आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट हो गई तो ये सिग्नल अपने आप को बार-बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है तो यहां पर आपका जो टाइम पीरियड टी है वो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा ओके तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक सिग्नल ठीक है नाउ आपको कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहां पर दिमाग में रखने हैं जैसे कि एवरी साइन कोसाइन एंड यूलर सिग्नल ओके इज ऑलवेज पीरियोडिक इफ दे आर इंडिविजुअली गिवन ठीक है ना एवरी साइन कोसाइन एंड यूलर सिग्नल इंडिविजुअली आर ऑलवेज पीरियोडिक ओके तो आपको ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखना है कि साइन कोसाइन एंड यूलर सिग्नल अगर सिंगल दिए हुए हैं इंडिविजुअली दिए हुए हैं तो हमेशा क्या होंगे पीरियोडिक होंगे जैसे Suppose आपको दिया है xt is equal to sin 100 pi t, okay? या आपको दिया है xt is equal to e की power j 2t, ठीक है? या आपको दिया है xt is equal to cos 300 t, ठीक है ना? किसी भी format में given हो, अगर वो individually given है, तो वो हमेशा periodic है, आपको check करने की जरूरत नहीं है कि ये signal periodic है कि नहीं, they are always periodic. मेन पॉइंट कहां पर आता है आपका जब आपका एक से ज्यादा साइन या कोसाइन या यूलर सिग्नल आपस में ऐड होते हैं या सबट्रैक्ट होते हैं या किसी भी इक्वेशन में जब एक से ज्यादा सिग्नल्स आपको गिवन होते हैं ठीक है तो वो पीरियोडिक हैं कि नहीं ठीक है तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट आपके पास प्रोसीजर होता है ठीक है प्रोसीजर फॉर चेकिंग पीरियोडिसिटी ऑफ द सिग्नल ठीक है तो यहां पर हम लोग पीरियोडिसिटी चेक करने का एक प्रोसीजर स्टडी करने वाले हैं कि जब आपके एक से ज्यादा साइन कोसाइन या यूलर सिग्नल सिंगल इक्वेशन में गिवन हो तो क्या वो पीरियोडिक होंगे कि नहीं होंगे या हो सकता है एक साइन एक कोसाइन एक साथ ऐड हो तो वो पीरियोडिक होंगे कि नहीं होंगे ये सारी चीजें हम कैलकुलेट यहां पर कर पाएंगे तो इसमें आपके कुछ स्टेप्स हैं स्टेप नंबर 1 क्या है आपका सबसे पहले आप हर एक सिग्नल के लिए T1, T2, T3 कैलकुलेट कर लीजिए मतलब हर एक सिग्नल का आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए T कैलकुलेट कर लीजिए इंडिविजुअली ठीक है T1, T2, T3 उसके बाद हमें क्या करना है उसके बाद हम लोगों को T1
upon T2, then T1 upon T3 and so on. ऐसे हमें रेशियोज कैलकुलेट करते चलने हैं. अगर आपका जो रेशियो आपने स्टेप टू में कैलकुलेट किया है अगर वो आपका रैशनल होता है, देन आप क्या कहेंगे कि जो ओवरऑल सिग्नल है आपका वो पीरियोडिक है. लेकिन अगर कोई भी रेशियो आपका रैशनल नहीं है तो आप कहेंगे ओवरऑल सिग्नल आपका नॉन पीरियोडिक है. ठीक है, लेकिन अगर आपका ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक आ जाता है तो स्टेप फोर में क्या करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ स्टेप टू. ओके, तो स्टेप टू में जितने भी आपको डिनोमिनेटर्स दिख रहे हैं T2, T3, T4 एंड सो ऑन, सबके आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है. ओके, नाउ एलसीएम कैलकुलेट कर लेने के बाद जो आपका ओवरऑल कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा आपका एलसीएम इनटू T1. ये होता है आपका ओवरऑल पीरियड. ओके, यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करने के लिए. सपोज करिए आपको XT गिवन है 100 साइन 80 पाई टी प्लस 20 कॉस 60 पाई टी. ओके, ये आपको एग्जांपल यहां पर गिवन है. अब आपको चेक करना है कि ये ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, और अगर ये ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा. ठीक है, तो आप देखिए यहां पर सबसे पहला हमें पता है कि ओमेगा 1 क्या है 80 पाई, ओमेगा 2 क्या है आपका 60 पाई. ओके, आपको जो भी सिग्नल गिवन हो उसके एम्पलीट्यूड से आपको कोई मतलब नहीं है पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक के केस में, आपको सिर्फ ओमेगा देखना है. ओमेगा मतलब जो भी टी का कॉफिशियंट होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा आपका ओमेगा. अब देखिए T1 क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 1, ठीक है, हमें पता होना चाहिए ये. T2 क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा 2. ओके, तो यहां पर आप देखिए T1 कितना आ गया हम लोग का, T1 हमारा हो गया 1 अपॉन 40, T2 हमारा कितना आ गया 1 अपॉन 30. ओके, तो हमारा T1 बाय T2 कितना आ जाएगा, देखिए 1/40 डिवाइड बाय 1/30 मतलब 3/4 आ जाएगा. ठीक है, और 3/4 हमें अच्छे से पता है कि एक रैशनल है, ठीक है ना. इरेशनल क्या होता है आपको पता है ना अच्छे से, इरेशनल तब होगा जब P/Q मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कहीं पर भी कोई नॉन इंटीजर वैल्यू हो, ठीक है, या आपका पाई का टर्म हो या अंडर रूट का टर्म हो, तो आप कह देंगे कि वो क्या है आपका नॉन रैशनल है. ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं P और Q दोनों इंटीजर है, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ आर इंटीजर, तो T1 बाय T2 क्या आ गया आपका रैशनल आ गया. तो ओवरऑल सिग्नल आपका पीरियोडिक है, ये फिक्स हो चुका है. तो आप देखिए अगर आपका ओवरऑल सिग्नल पीरियोडिक है तो अब आप एलसीएम निकालेंगे. एलसीएम किसका, डिनोमिनेटर ऑफ स्टेप टू मतलब T1 बाय T2. देखिए यहां पर डिनोमिनेटर क्या है 4, तो 4 का एलसीएम तो 4 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ओवरऑल टाइम पीरियड क्या होगा, एलसीएम इंटू T1. T1 कितना है देखिए 1/40 है, तो ओवरऑल टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 1/10 सेकेंड. ओके, क्लियर है अच्छे से. तो ये प्रोसीजर जो हमने स्टडी किया अभी स्टेप बाय स्टेप, उसको हमने एक न्यूमेरिकल के थ्रू फिर से एनालिसिस कर लिया. ओके, आई होप अब आपको प्रोसीजर अच्छे से क्लियर होगा. नाउ यहां पर आप चाहते तो सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड का यूज कर सकते थे, मेथड नंबर 2. देखिए क्या होगा इस मेथड नंबर 2 में, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ओमेगा की वैल्यू देखनी है, ओमेगा 1 ओमेगा 2. ओके, और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का यूज करके आपको ओवरऑल ओमेगा निकाल लेना है. तो ओवरऑल ओमेगा क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, तो अब आप देखिए यहां पर ओमेगा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ न्यूमरेटर, यहां पर देख लीजिए 80 पाई और 60 पाई आपके ओमेगा में न्यूमरेटर हैं, तो इनका HCF कितना हो जाएगा आपका 60 पाई, 80 पाई. ठीक है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर
मतलब 1, 1 क्योंकि 60 पाई अपॉन 1 दिया है, 80 पाई अपॉन 1 दिया है, ओमेगा में एलसीएम आपका 1 ही हो जाएगा, तो आपका जो ओवरऑल ओमेगा है वो क्या हो जाएगा। देखिए 60 पाई और 80 पाई में से क्या कॉमन आ सकता है, आप देख सकते हैं इसमें से कॉमन आ सकता है आपका 20 पाई। ओके, तो 20 पाई आपका कॉमन आ गया, तो यही हो जाएगा आपका ओमेगा, क्योंकि एलसीएम तो आपका 1 था। तो अगर ओमेगा आपका 20 पाई आया है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा 20 पाई, आंसर आ जाएगा 1/10 सेकेंड। तो क्या आंसर हमारा सेम आया है? यस, आंसर हमारा सेम आया है। तो आप चाहें तो मेथड नंबर 1 का यूज करें, चाहें तो आप मेथड नंबर 2 का यूज करें, दोनों ही मेथड आपके बिल्कुल करेक्ट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट एग्जांपल आप समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको एक्स टी गिवन है साइन 13t प्लस आपको गिवन है कॉस 19t। ओके, तो यहां पर आप देखिए, आपको अगर मैं पहले मेथड से बताऊं तो t1 निकालना होगा 2π/13, ठीक है, 2π/ओमेगा। t2 कितना हो जाएगा, 2π/19, ठीक है, तो t1/t2 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2π/13 डिवाइड बाय 2π/19, तो 2π/2π कैंसल, आंसर हो जाएगा 19/13। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये आपका रैशनल नंबर है, क्लियर है? तो अगर ये आपका रैशनल नंबर है, इसका मतलब आपका जो ओवरऑल सिग्नल है वो पीरियोडिक है, तो आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है इस स्टेप का। तो एलसीएम कितना है आपका, 13, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, एलसीएम इनटू t1 2π/13, टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/सेकेंड, ठीक है ना, यहां से आपका 13 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो ये मेथड 1 से बड़ा इजीली हमारा टाइम पीरियड आ गया। अब हम चाहते तो मेथड नंबर 2 से भी कर सकते थे। मेथड नंबर 2 में अगर मैं जाऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू का एनालिसिस करना है। ओमेगा 1 क्या है, 13, ओमेगा 2 क्या है आपका, 19। ओके, तो आप देखिए यहां पर अगर मैं ओवरऑल ओमेगा कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 13, 19, फिर से ओमेगा में जो ओमेगा 1 ओमेगा 2 अवेलेबल है किसी में भी डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई वैल्यू नहीं है, तो एलसीएम आपका ओवरऑल ओमेगा का भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो उसे आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है ओमेगा का इट विल बी 1। नाउ HCF ऑफ 13, 19 क्या कॉमन निकल सकता है मैक्सिमम इनसे, 1, ऑब्वियस सी बात है 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, दैट मीन्स 2π/सेकेंड। आप चेक कर सकते हैं आंसर आपका मेथड 1 से भी 2π/सेकेंड ही आया था। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, इसके बाद आपका कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर होने वाला है। देखिए सपोज करिए मैं ले रहा हूं साइन 13π t प्लस कॉस 19t। ओके, इसको आप ध्यान से समझने की आप कोशिश करिए। यहां पर जो आपका साइन 13t है, दैट मींस ओमेगा 1 कितना है, 13π, ओमेगा 2 कितना है आपका, 19। तो अगर मैं पहले मेथड नंबर 1 यूज करूं तो t1/t2, ठीक है, t1 कितना है आपका, यहां पर आप लिख लीजिए 2π/13π। ओके, मतलब 2/13। t2 कितना हो जाएगा, 2π/19। ओके, जब आप t1, t2 यहां पर परफॉर्म करेंगे, ओके, दैट मींस जब आप 2/13 डिवाइडेड बाय 2π/19 ये आप परफॉर्म करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 19/π। क्लियर है अच्छे से, आप देख सकते हैं यहां पर, तो ये जो आंसर आपका आ गया है वो आ गया है 19/π, दैट मींस ये आपका इरेशनल हो जाएगा। क्लियर है ना अच्छे से, जो इरेशनल हुआ आप देख सकते हैं, इरेशनल होने का एक बहुत बड़ा कारण था कि जो आपका t1 का वैल्यू है उसमें आपका पाई का कोई टर्म नहीं था, पर t2 में आपका पाई का टर्म था।
अगर दोनों में पाई के टर्म होते तो आपस में कैंसिल हो जाते, क्लियर है? लेकिन अगर आपके दोनों में पाई के टर्म नहीं है और एक में है तो वो कैंसिल नहीं हो पाएगा और पाई का टर्म आपका टी वन अपॉन टी टू में आ जाएगा, क्लियर है अच्छे से? तो ये आपका जो ओवरऑल सिग्नल है वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर टी वन अपॉन टी टू क्या आ गया, 19 अपॉन एक्चुअल में होगा ये 13 पाई, ओके ना, 13 वाला टर्म भी आएगा बट ओवरऑल सिग्नल आपका नॉन पीरियोडिक यहां पर हो जाएगा। नाउ अब आप अभी तक सोच रहे होंगे मेथड नंबर टू से हम लोग पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है वो कैसे चेक करते हैं, अभी तक मैंने डिस्कस ही नहीं किया। मेथड नंबर टू से मैंने पीरियोडिक सिग्नल का ही पीरियड निकाल के आपको दिखाया है, जो कि मेथड नंबर वन में ऑलरेडी प्रूव हो चुका था कि दिस सिग्नल इज पीरियोडिक। तो अगर आपको डायरेक्ट मेथड नंबर टू यूज करना हो तो हाउ टू चेक दैट वेदर द सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट, तो देखिए ध्यान से, ओमेगा इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, तो आप देखिए यहां पर फिर से डिनोमिनेटर वन वन है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो 13 पाई कॉमा 19, तो यहां पर आप लिख दीजिए 13 पाई कॉमा 19, तो यहां बोलेंगे कि यहां तो एचसीएफ आ रहा है आपका फिर से वन, तो फिर तो आपका जो टाइम पीरियड है वो आ जाएगा 2 पाई फिर से लास्ट क्वेश्चन के जैसे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, जब आप एचसीएफ लें, जब आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें, तो जो बचा हुआ पार्ट हो वो हमेशा आपका इंटीजर हो। अगर आप यहां से वन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 13 पाई कॉमा 19 जो कि इंटीजर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो वो आपका नॉन पीरियोडिक हो जाएगा सिग्नल, क्लियर है अच्छे से? मैं आपको पिछले क्वेश्चन से भी रिपीट करता हूं इस कंसेप्ट को। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन था जिसमें एचसीएफ ऑफ 13 कॉमा 19 लेना था, उसमें से अगर आप वन कॉमन लेते तो बचता क्या, 13 एंड 19 दोनों इंटीजर थे, ठीक है। अगर आप उससे भी लास्ट क्वेश्चन पे जाएं तो आप देखिए, जब 60 पाई कॉमा 80 पाई का एचसीएफ लेना था तो एचसीएफ आया 20 पाई, जब आपने 60 पाई में से 20 पाई लिया तो क्या बचा अंदर, 3, और 80 पाई में से 20 पाई लिया तो क्या बचा अंदर, 4, 3.4, दोनों ही इंटीजर थे, ठीक है। तो कॉमन इस तरीके से निकालना है कि बचा हुआ भाग इंटीजर हो, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो सिग्नल आपका क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, क्लियर है अच्छे से? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट या नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको अब देने जा रहा हूं, जिसमें आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और मिलने वाला है, वो क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए आपको XT कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, cos 10 पाई t into cos 18 पाई t, ठीक है, ये आपको दिया है XT। तो यहां पर देखिए, यहां पर दोनों सिग्नल आपके मल्टीप्लाइड है, तो ध्यान रखिएगा जब भी दो सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा एड एंड सब्ट्रैक्ट होती है, ये आप कम्युनिकेशन सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको कॉस ए इंटू कॉस बी दिया हो या साइन ए इंटू साइन बी दिया हो या साइन ए कॉस बी या कॉस ए साइन बी दिया हो, तो आपको सबसे पहले उनका फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिग्नल को प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखना है, ओके। तो यहां पर जो 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ओके, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर हम लिख सकते हैं xt को, देखिए यहां पर 2 नहीं है तो आपको 1/2 लिखना पड़ेगा, 1/2 cos a प्लस b मतलब 28 पाई t प्लस cos a माइनस b 10 माइनस 18 8 पाई t, चूंकि cos माइनस थीटा आपका cos थीटा ही होता है तो यहां पर माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा cos 8 पाई t, क्लियर अच्छे से। यहां पर 1/2 एम्पलीट्यूड है उससे हमें कोई मतलब है नहीं, तो ओमेगा 1 आप डायरेक्ट लिख सकते हो 28 पाई और ओमेगा 2 भी डायरेक्ट लिख सकते हो 8 पाई। अगर मैं डायरेक्टली यहां मेथड नंबर 2 यूज कर लूं तो HCF ऑफ 28 पाई कॉमा 8 पाई कितना बच आ जाएगा HCF आपका, देखिए एक तो पाई कॉमन निकल रहा है बिल्कुल फिक्स है, नाउ 28 और 8 में से क्या कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप 4 कॉमन लेंगे तो 28 में क्या बचेगा, 7, और 8 में क्या बचेगा, 2, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो क्या कॉमन आ गया, 4 पाई। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, 2 पाई अपॉन 4 पाई,
आंसर क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट था जो आपको आज से पता होना चाहिए कि जब भी आपके दो सिग्नल्स मल्टीप्लाइड होंगे तो आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। ठीक है, क्लियर। नाउ अभी तक हमने जितने भी सिग्नल देखे हैं वो दो दो सिग्नल देखे हैं। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जहां पर आपके थ्री सिग्नल्स हों। ओके, तो आप देखिए यहां पर एक एग्जांपल है आपके लिए, XT इज इक्वल टू 6 cos 8π/3t प्लस पाई बाय 6 प्लस 9 sin 6π/8t प्लस पाई बाय 4 प्लस 12 cos, यहां पर ले लेते हैं हम लोग 9π/4t प्लस पाई बाय 3। ओके, तो इस तरीके का मैंने एक लॉन्ग सिग्नल अपने आप से क्रिएट किया है, इसलिए मैं इतना रुक रुक के क्वेश्चन लिख रहा था। मैंने कोई भी क्वेश्चन रैंडमली अपने आप से क्रिएट कर दिया। ये थ्री पार्ट्स हैं, थ्री ओमेगा आपको मिलेंगे यहां पर, तो किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे देखिए। और इस क्वेश्चन में एक और खास बात है कि यहां पर आपका एलसीएम भी आएगा क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर अवेलेबल है ओमेगा के, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा मेथड नंबर टू के लिए। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए तो समझ लीजिए सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे मेथड नंबर टू से। ओके, तो आप देखिए यहां पर ओमेगा 1 8π/3 है, ओमेगा 2 कितना है 6π/8, इसको चाहे तो आप सॉल्व कर दीजिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं 3π/4। ओके, ओमेगा 3 कितना है आपका 9π/4। ओके, क्लियर है अच्छे से। तो आपको ये पॉइंट यहां पर हमेशा दिमाग में रखना होगा कि जब भी आपका सिग्नल में शिफ्टिंग भी हो, ठीक है ना, देखिए यहां पर 8π/3t प्लस समथिंग है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ t के साथ जो स्केलिंग फैक्टर है उससे मतलब है, ठीक है ना। तो आपको पाई बाय 6, पाई बाय 4 या पाई बाय 3 के टर्म जो प्लस में है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ओमेगा की वैल्यू से मतलब है। तो अब अगर मैं ओवरऑल ओमेगा यहां पर कैलकुलेट कर लूं तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो देखिए न्यूमरेटर क्या है 8π 3π 9π। ओके, तो 8π 3π एंड 9π, LCM के लिए आपको डिनोमिनेटर के टर्म्स चाहिए 3 4 4, तो 3 4 4, तो कितना आ जाएगा ये आपका, देखिए HCF यहां से आ जाएगा पाई, ठीक है ना, क्योंकि 8 3 9 में से और कुछ कॉमन नहीं आएगा आपका, सिर्फ 3 या 9 होते तो 3 कॉमन आ जाता, बट 8 3 9 में से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो पाई इंटू 1 आपका पाई हो गया। अब 3 4 4 का LCM क्या होगा 12 हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना, 3 से आपका 12 डिवाइड होता है, 4 से भी आपका 12 डिवाइड होता है, मिनिमम वैल्यू है ऐसी, तो 12 आ गया, तो ओमेगा आ गया पाई बाय 12, तो आपका टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ओमेगा। ओके, तो आपका जो टाइम पीरियड है पाई और पाई कैंसल 24 सेकेंड। ओके, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स थे जिससे आपको आई थिंक मेथड नंबर टू अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स के साथ अब आप मेथड नंबर टू अच्छे से यूज कर पाएंगे। नाउ अब कुछ और न्यूमेरिकल, कुछ और कंसेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। सपोज करिए कोई सिग्नल आपको दिया है XT इज इक्वल टू 100 sin 4π t प्लस पाई बाय 6 इंटू UT। ओके, तो यहां पर आपको बताना है ये सिग्नल पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड कितना होगा। क्लियर है अच्छे से। तो अब आप देखिए यहां पर ये जो सिग्नल है वो यूटी से मल्टीप्लाइड है, यूटी से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये साइन वेव होगी जो सिर्फ राइट साइडेड होगी, लेफ्ट साइडेड नहीं होगी। जब मैंने आपको पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक की डेफिनेशन बताई थी वीडियो के स्टार्टिंग में फॉर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, तो मैंने आपको बताया था XT इज इक्वल टू XT प्लस माइनस KT, प्लस माइनस लिखा था मैंने, मतलब सिग्नल लेफ्ट साइड भी रिपीट होना चाहिए और राइट साइड भी रिपीट होना चाहिए।
तो राइट साइड तो सिग्नल मुझे मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड पूरा का पूरा क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। दैट मींस ये सिग्नल आपका पीरियोडिक नहीं होगा। तो यहां से कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे, वन साइडेड सिग्नल। कोई भी सिग्नल अगर ut या u ऑफ माइनस टी से मल्टीप्लाइड है तो वन साइडेड सिग्नल्स आर नेवर पीरियोडिक। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्ट में मैंने आपको पढ़ाया है कि जब भी साइन कोसाइन या यूलर सिग्नल इंडिविजुअली दिए गए हों तो हमेशा पीरियोडिक होते हैं। तो यहां पर भी इंडिविजुअली ही गिवन है तो उसे पीरियोडिक होना चाहिए था, ठीक है ना, इंडिविजुअल साइन का टर्म था आपका, बट चूंकि यूटी से मल्टीप्लाइड है इसलिए क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक, क्योंकि वन साइडेड सिग्नल आर नेवर पीरियोडिक। ओके, क्लियर है अच्छे से। नाउ एक और कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, देखिएगा। मान लीजिए फिर से मैं यूटी के टर्म में लिख रहा हूं, पर यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्स टी इज इक्वल टू ईवन ऑफ कॉस 100 पाई टी यूटी। तो आप बोलेंगे यहां पर तो फिर से यूटी से मल्टीप्लाइड है, तो यहां पर तो आपका सिग्नल क्या होना चाहिए, नॉन पीरियोडिक होना चाहिए। हो सकता है कि सिग्नल आपका नॉन पीरियोडिक ही आया आंसर के बाद, लेकिन आपको यह बात समझनी है कि यहां पर आपको ईवन भी निकालना है उस सिग्नल का, तो हो सकता है ईवन निकालने के बाद वो पीरियोडिक हो जाए। तो एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ईवन ऑफ दिस सिग्नल, ईवन पार्ट कैसे निकालते हैं किसी भी सिग्नल का, ईवन पार्ट निकालते हैं उस सिग्नल को पहले एज इट इज लिख दीजिए, तो कॉस 100 पाई टी प्लस उस सिग्नल में टी की जगह माइनस टी करिए और फिर से उस सिग्नल को लिख दीजिए, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 100 पाई टी, बट यूटी की जगह क्या हो जाएगा आपका यू ऑफ माइनस टी, और यहां पर आपका यूटी का यूटी ही रहता, डिवाइडेड बाय 2। ओके, क्लियर है अच्छे से। अब देखिए कॉस 100 पाई टी बाय 2 कॉमन आ रहा है, तो एक्स टी क्या हो जाएगा आपका कॉस 100 पाई टी डिवाइडेड बाय 2, और अंदर क्या बच गया आपका यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी। क्लियर है अच्छे से। तो ये आपका अंदर बच गया, तो यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी कितना होता है, हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ut जो होता है 0 से इनफिनिटी तक 1 होता है, u ऑफ माइनस टी क्या होता है आपका 0 से माइनस इनफिनिटी तक 1 होता है। अगर मैं दोनों सिग्नल को यहां पे ड्रॉ कर लूं तो आप देखिए जो ut है वो आपका 0 से इनफिनिटी तक 1 है, और जो आपका u ऑफ माइनस टी है वो आपका किस तरीके से बनता है, वो आपका कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये बन गया u ऑफ माइनस टी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ut और u ऑफ माइनस टी है वो दोनों के दोनों जीरो पर आपको वन दिख रहे हैं, ठीक है। तो जीरो पर तो टू हो जाना चाहिए ऐसे में, लेकिन मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाया हुआ है पहली वीडियो में, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था जो ut होता है वो t इक्वल टू जीरो पर हाफ होता है, इसी कारण t इक्वल टू जीरो पर ut भी हाफ और u ऑफ माइनस टी भी हाफ, तो जीरो पर भी हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा आपका वन हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से। तो ये पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए अब ध्यान से, ये जो आपका सिग्नल है ये जीरो से इन्फिनिटी तक, या बोल सकते हैं जीरो के बाद से लेकर इन्फिनिटी तक, यू ऑफ माइनस टी जीरो है लेकिन यू टी वन है, तो वन प्लस जीरो वन। अब यू ऑफ माइनस टी की बात करें जीरो से पहले, मतलब माइनस इनफिनाइट से जीरो से पहले तक वन है, लेकिन नेगेटिव साइड में यूटी कितना है जीरो, तो वन प्लस जीरो फिर से वन, और जीरो पर दोनों हाफ है तो फिर से वन, मतलब जो ओवरऑल सिग्नल है वो आपका पूरा का पूरा वन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका यूटी प्लस यू ऑफ माइनस टी वन होता है, इसका मतलब जो आपका एक्स टी जो बचेगा वो बचेगा आपका कॉस 100 पाई टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो यहां पर आपको ध्यान से ये बात समझनी होगी कि यहां पर इवन निकालने के बाद इस सिग्नल का, ये सिग्नल से यूटी रिमूव हो गया, ये सिग्नल सिर्फ कॉस का टर्म बचा इस सिग्नल में आपके लिए, और कॉस का टर्म अगर इंडिविजुअली गिवन है तो हमेशा क्या होगा, वो पीरियोडिक होगा। इसलिए मैंने आपको कहा था इस सिग्नल को पहले आप सॉल्व करके देखिए, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर आपको इवन पार्ट भी कैलकुलेट करना था। तो इसका जो ओमेगा है वो क्या हो जाएगा आपका 100 पाई, और टी आपका क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन 100 पाई,
ये आंसर आ जाएगा आपका 1/50 seconds. ओके, क्लियर है अच्छे से? तो ये हो गया आपका कंटिन्यूअस टाइम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स का एनालिसिस. ओके, तो मैंने यहां पर कुछ कंसर्ट आपको बताए हैं, कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिए हैं. ओके, अगर आपको किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक स्टडी करेंगे. ओके, और उसके बाद फिर हम लोग सिस्टम पे मूव कर जाएंगे. ओके, ठीक है, थैंक यू.